हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका प्राउड फाउंडर मनेंद्र सिंह गोला। मैं भी हैप्पी की तरह इसके अंदर एक फाउंडर हूं। और हम सब जितने भी फाउंडर्स हैं, सभी लोगों की कोई ना कोई एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो ऑन पैसिव से रिलेटेड है आप तक पहुँचाना। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है वो कब लॉन्च होगी। और लॉन्चिंग का इंतज़ार तो मुझे भी है कि जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन धमाल होने वाला है। लेकिन हम कुछ टॉपिक्स को यानी कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर इसके अंदर देरी क्यों हो रही है। लॉन्च होने के लिए तो वो कल भी लॉन्च होने का आदेश दे सकते हैं मिस्टर एस सर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में पूरी करनी होती हैं जी। आपने एक चीज़ सुनी होगी, चाइना के अंदर चाइनीज़ बम्बू, जिस तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी खेती होती है, मक्का, बाजरा, आम, अमरूद, बहुत सारी फसल होती हैं, उसी प्रकार से चाइना के अंदर एक खेती होती है चाइनीज़ बम्बू के नाम से, यानी कि एक बांस होता है जो बहुत ही लंबा, लगभग 100 फीट ऊंचा जाता है। लेकिन उस चाइनीज़ बम्बू की एक ख़ास बात यह होती है कि वो जितना ज़मीन के ऊपर कम उगता है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा तेज़ी से उगता है, यानी कि उसका जो विकास होता है वो ज़मीन के नीचे सबसे ज़्यादा होता है। पहले 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक वह ज़मीन के अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। और जब वो ज़मीन के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कम से कम वो 30 फुट के आसपास हो जाता है, 20 से 30 फुट के आसपास ज़मीन के अंदर हो जाता है, तब कहीं जाने के बाद वह ज़मीन के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो कहीं ज़्यादा जा करके उगना शुरू होता है। और जब वो 30 फुट नीचे जाने के बाद जब ज़मीन का ऊपरी हिस्सा उगना शुरू होता है, उसके बाद वो उतनी तेज़ी से उगता है जिसका साधा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगले 1 साल के अंदर वह 50 से 100 फुट ऊंचा हो जाता है, और जबकि 5 साल तक उसकी लंबाई कुछ खास नहीं होती है ज़मीन के ऊपर। लेकिन उस 5 साल के अंदर उसने क्या किया, उस 5 साल के अंदर उसने ज़मीन के अंदर अपना विकास किया। अब इसका एग्जाम्पल मैं ऑन पैसिव में किस तरीके से दे सकता हूँ। जिस तरीके से आज ऑन पैसिव में लोग लॉन्चिंग होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार से आज ऑन पैसिव एक चाइनीज़ बम्बू की तरह काम कर रही है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसकी पूरी हो रही हैं, यानी कि बैकग्राउंड में जो उसकी जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत की जा रही हैं। पहले मार्केटिंग कैंपेन की जा रही है, अपने रॉ मटेरियल पर काम किया जा रहा है, जितने भी हमारे डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट हैं उन पर काम किया जा रहा है, उनकी कोडिंग की जा रही है, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जितने भी हमारे ओ फाउंडर्स हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो पैसा आपके पास आएगा वो कहाँ पे आएगा, किस वॉलेट के अंदर आएगा, उसकी पूरी तरीके से सिक्योरिटी की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल वाले काम हैं जो कंपनी अपने इस निचले स्तर पर पूरे करती चली जा रही है। और जैसे ही ये सारे काम पूरे होंगे तो इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऑन पैसिव का लॉन्चिंग का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च होगी तभी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, एक ऐसा ब्लास्ट होगा कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और एक ऐसी इनकम आने वाली है जो शायद हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। फिर आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे फाउंडर्स की आंखों से बहुत सारे आंसू भी निकलने वाले हैं, यानी कि खुशी के आंसू निकलने वाले हैं कि जब उनके वॉलेट में इनकम दिखाई देगी, उनके वॉलेट में भर भर के इनकम आएगी, तो शायद वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी इनकम मैं इसको कहाँ पर खर्च करूँ, इसको मैं कहाँ पे लगाऊं। तो मतलब एक खुशी का ठिकाना नहीं होगा। इसलिए अपनी हार्ट बीट को आपको बहुत ही सही तरीके से बना के रखना है, और ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है, जिससे कि ज़्यादा खुशी आने पर भी हार्ट अटैक आ जाता है, और ज़्यादा कभी दुख हमें पहुंचता है किसी वजह से तब भी हमें हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए अपने पेशेंस को उस समय बना के रखना है, क्योंकि हार्ट बीट आपकी अगर नॉर्मल होगी तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर करोगे और अपना मैनेजमेंट आसानी से आप कर पाओगे। तो दोस्तों, एक चाइनीज़ बम्बू की तरह जो हमारी ऑन पैसिव कंपनी है वो काम कर रही है। आपको बस पेशेंस रखना है चाइनीज़ बम्बू की तरह, जिस तरीके से वो नीचे की तरफ अगले पिछले 5 साल तक नीचे की तरफ उसका विकास होता है, उसी प्रकार से हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है वो अभी
पाँच साल उसको हो जाएंगे पूरे, लगभग 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 चल रही है, 4 साल पूरी हो चुकी हैं। तो लगभग वो चाइनीज़ बम्बू की तरह जो काम हम करने वाले हैं वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होने वाला है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके छोटे हों बड़े हों, आपके बच्चों के ड्रीम हों आपके ड्रीम हों, सारे के सारे ड्रीम आपके यहाँ से एक साल के अंदर अंदर पूरे होने वाले हैं। बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, तो आपके वो ड्रीम्स ऑटोमेटिक बन भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चाइनीज़ बम्बू का मैंने एग्जांपल क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ बम्बू नीचे की तरफ बढ़ता है जब 5 साल तक, तभी वो 100 फिट ऊँचा जा पाता है। अगर उसकी नीचे की जो गहराइयाँ हैं, नीचे की जो जड़ें हैं, अगर वो नीचे की जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहरी ना जा पाएँ, तो वो अपना 100 फिट का जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है वो अच्छी तरीके से सही बैलेंस में वो नहीं साध पाएगा। और इसीलिए यही वजह है कि जितनी ज़्यादा नींव हमारी मजबूत होती है तो हम उतना ही बड़ा बिल्डिंग अपने लिए वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, और नींव अगर मजबूत नहीं होती है तो हमारे जो बिल्डिंग है, हमारे जो मकान है, वो कभी भी एक आंधी में, एक भूकंप में आसानी से गिर सकता है। तो बस यही एक वजह है कि ऑन पैसिव को जो देरी लग रही है वो इसी वजह से लग रही है, ताकि बहुत सारे जो बैकएंड में जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारी सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए रॉ मटेरियल पर सबसे ज़्यादा काम इस समय चल रहा है। अब इंडिया के अंदर मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो रही है और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बाज़ार है, और डिजिटली हम जो भी काम करेंगे उसमें हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आसानी से। तो ऑन पैसिव ने हम सब लोगों को ये फाउंडर बनने का मौका दिया है, तो सबसे पहले तो हमें एस मुफारे सर का तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम इस मानव जाति के लिए, इस दुनिया में हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा सोचा है, और इतना बड़ा सोचा है कि अगर उन्होंने हमारे लिए सोचा तो हम भी 10 लोगों के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं जब हमारे पास इनकम आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, चाइनीज़ बम्बू से तुलना करने के बाद आप लोगों के मन में एक विचार आ गया होगा कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। शायद अब आपके कुछ दिमाग में जो डाउट्स चल रहे होंगे वो सभी डाउट आपके हल्के हो गए होंगे। आई थिंक अभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, और ऑन पैसिव में जो लोग तहे दिल से और पूरे विश्वास के साथ ऑन पैसिव के साथ खड़े हुए हैं, निसंदेह ऊपर वाला भी उनके साथ है। और जो चीज़ आप अपने मन से पूरे शिद्दत के साथ अगर मांगते हो तो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में वो बात हमारी पहुँचती है, और वो बात किसी न किसी के माइंड में जाके कनेक्ट होती है, वो किसी न किसी के माध्यम से हमारे पास ज़रूर आती है। और ऑन पैसिव हमारे लिए बस यही एक सबसे बड़ा मौका है। अगर आपने सच्चे दिल से कोई भी कामना की होगी अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, तो 100% वो अब आपकी पूरी होने वाली है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप बने रहिए इस ऑन पैसिव के अंदर, बिकॉज वी आर फाउंडर एंड वी आर इन इट टू विन इट। अगर हम अंदर हैं तो 100% हम यहाँ पर सिकंदर हैं।